ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को माता कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, ऐसा कहा गया है कि स्तुति करने से देवता संतुष्ट होते हैं। माँ कालरात्रि के पूजन की विधि तो हम दर्शकों को बताएंगे, साथ ही साथ इनके पूजन का लाभ क्या होता है ये भी हम भक्तों को बताते चले। जो भक्त इनका पूजन करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, तथा हमारे घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिनको रात्रि में डर लगता है अथवा रोते हैं, बच्चों को नजर लग जाती है, ऐसे बच्चों को माता कालरात्रि का पूजन कराना चाहिए या जयंती मंगला काली इस मंत्र का पाठ करके उनको जल पिला दें तो बच्चे का रुदन शांत हो जाता है, भक्तों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। और विशेषतया हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, हमारे अंदर साहस की वृद्धि होती है। इनके पूजन का क्रम, जैसे कि पहले माता को हम आसन देंगे, आवाहन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रतिदिन माता का पूजन करते हैं और माता किसी ना किसी रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि से माता की अर्चना करनी चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए। माता कालरात्रि के पूजन में यदि हम तिल का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा माता को पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, जैसे जिन पुष्पों में सुगंध आती हो, जो पुष्प पीत वर्ण के हैं, श्वेत वर्ण के हैं या रक्त वर्ण के हैं, ऐसे पुष्प हम माँ को अर्पित करें, तथा अनार का जो फल है वो सब सर्वत्र उपलब्ध है तो भक्तों को चाहिए कि ऐसे फल से माँ का पूजन करें, तथा विविध प्रकार के मिष्ठान्नों का भोग माता को लगाएं। कभी भी हम माँ का पूजन कर रहे हैं या किसी देवता का पूजन कर रहे हैं तो हम उसको पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, हमारे पूजन में, हमारे उच्चारण में, हमारे भावों में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा करके हमें अभयदान प्रदान करें, प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। माता की प्रार्थना करें। और एक बात मैं भक्तों को बताना चाहूँगा कि राहु केतु और शनि की पीड़ा यदि भक्तों के जीवन में है तो वे भक्त माता कालरात्रि का चिंतन, उनका पूजन करें और हो सके तो माता को दूर्वा चढ़ाएं, माता को लड्डू चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त माता के पूजन में सुंदर सुंदर फल और पुष्पों का उपयोग करें, माता को चढ़ाएं, तो माता इन सभी ग्रह बाधाओं से भक्तों को मुक्त कर देती हैं तथा अभयदान प्रदान करती हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे कई भक्त ऐसे हैं जो 9 दिन उपवास रखते हैं, तो उपवास के दौरान क्या आहार लेना चाहिए और किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी निसंदेह है, निश्चित रूप से आहार हमारे शरीर का पोषण करता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर से ही हम धर्म करते हैं। यदि हमारा तन और मन स्वस्थ नहीं होगा तो हम धर्म का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर सकेंगे। इसलिए भक्तों को चाहिए कि नवरात्र में शुद्ध और सात्विक आहारों का ही सेवन करें। भोजन हमेशा भूख से थोड़ा कम ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत अधिक भोजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आलस्य आएगा। इसलिए भक्तों को चाहिए कि जैसे प्याज है,
लहसुन है इनका परित्याग कर दें, मांस मदिरा का परित्याग कर दें, नवरात्र के समय में इन आहारों का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है जो अत्यधिक तैलीय एवं गरिष्ठ पदार्थ हैं उनका सेवन भी ना करें, क्योंकि यदि हम इस तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि में विकृति आ जाती है। हमारी बुद्धि शुद्ध और सात्विक बनी रहे, माता का अर्चन हम कर सकें तो निश्चित रूप से हमें सुंदर फल की प्राप्ति होगी। प्राचीन काल में ऋषि और मुनि बिना खाए ही जप और तप करते रहते थे, इसके पीछे प्राण शक्ति थी, अर्थात वे प्राणायाम करते थे। प्राणायाम से उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती थी। कहा गया है यथा पर्वत धातूनां दोषान हरति पावकः, जैसे पर्वत से जब धातुएं निकलती है तो आग के द्वारा उनको तपा करके उनके दोषों को नष्ट किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से भक्त यदि प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। और जैसे बिजली में जो चमक होती है, जो तेज होता है, वह तेज भक्तों को प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होता है, वायु के द्वारा प्राप्त होता है। और एक बात मैं भक्तों को बताना चाहूंगा कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमारे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। हमारे यहां ऋषि मुनि कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो आपके इस शरीर में है। तो हमें ऐसे आहार लेने चाहिए जो आहार पूजा पाठ में बाधक ना बने, हम जप कर सकें, बैठ करके स्तुति कर सकें, अच्छी प्रकार की निद्रा ले सकें। क्योंकि बताया गया है शालू जी कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ये तो सामान्य कहावत है हमारे जो प्राचीन लोगों ने कही है। इसका सीधा साधा अर्थ है कि आपको कभी भी कुत्सित अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। चूँकि हम यहाँ माता का आराधन कर रहे हैं, वैसे आहार के विषय में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि समयाभाव के कारण हम अपने भक्तों को नहीं बता पाएंगे, नहीं तो आहार में ही सब कुछ छिपा हुआ है। किसी ने कहा है कि रोगों का निदान हम औषधालय में नहीं भोजनालय में देखें, हमें अपने भोजन की व्यवस्था शुद्ध और सात्विक रखनी चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे शरीर में रक्त, अस्थि, मज्जा, वीर इत्यादि का निर्माण होता है। कभी भी कुत्सित अन्न का भोजन ना करें, जैसे भोजन में किसी की कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, भोजन जो बनाने वाला है उसके अंदर अच्छे भाव होने चाहिए, हमेशा भगवान को अर्पित करके ही भोजन करें। क्योंकि जो वस्तु माता कहती हैं ददाति प्रतिग्रहणाति, अर्थात जो कुछ भी मैंने धन वैभव संसार में दिया है वो सारा तुम्हारे लिए है, परंतु उन सारी वस्तुओं का अर्पण पहले तू मेरे चरणों में कर दे, इसके बाद उसका भोग। त्वदीयं वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपके चरणों में समर्पित है। इस प्रकार से भक्तों को चाहिए कि सुंदर और सात्विक आहार लें, इसके अतिरिक्त पीत वस्त्र धारण करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, हो सके तो नवरात्र के समय में काले वस्त्रों का परित्याग कर दें, जो अत्यंत गहरे नीले होते हैं तथा काले वस्त्र होते हैं उनका परित्याग करें। श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र एवं पीत वस्त्र, इनको यदि हम पहनते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। और मैं एक बात निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि जो भक्त सतत निरंतर माता की आराधना करते रहते हैं, नवरात्र में माता की उपासना करते हैं, निश्चित रूप से वो अपने मुखमंडल को देखेंगे, अपनी वाणी को देखेंगे, तो उनकी वाणी में और उनके मुखमंडल में एक विशेष प्रकार का ओज होगा। वह ओज हम माता की आराधना से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारी औषधियां हैं, कई सारे तंत्र मंत्रों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। यदि भविष्य में कभी अवसर मिला तो हम लोग इन पर चर्चा कभी भी कर लेंगे। ठीक है पंडित जी, अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आके हम अपनी बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे।